अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 8 हमने डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 9 डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल को हम किस तरह डिक्लेयर करवाते हैं, उसको इनिशियलाइज किस तरह करवाते हैं। उसमें हमने कुछ हमने कॉन्स्टेंट पढ़े थे, कॉन्स्टेंट की टाइप्स हमने पढ़ी थी, कॉन्स्टेंट क्या क्या होते हैं, मतलब कि वेरिएबल तो वो वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें आप खुद से चेंज करवा सकते हैं, उनके कोई प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं होते। लेकिन जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होते हैं, हम उन्हें खुद से चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास उनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स पहले से ही गिवन होते हैं। मतलब कि हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़ी थी, आगे मैं डेटा टाइप्स का आपको बता रहा हूँ। ये जैसे कि डेटा टाइप्स हमने कुछ पढ़ी थी, डेटा टाइप्स इसीलिए हम यूज़ करते थे क्योंकि उनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते थे। डेटा टाइप्स हमने तीन तरह की पढ़ी थी, एक हमारे पास अरिथमेटिक थी, सेकेंड हमारे पास अल्फ़ाबेटिक थी जिसे हम करेक्टर बोल रहे थे, और थर्ड नंबर पर हमने स्ट्रिंग यूज़ किया था। अरिथमेटिक डेटा टाइप हम इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि हमारे पास जो था अरिथमेटिक डेटा टाइप में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल आते थे, दो तरह की हमारे पास वैल्यूज़ आती थी। एक हमारे पास फ्लोट वैल्यू आती थी, सेकंड नंबर पे हमारे पास आती थी जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती थी। इंटीजर वैल्यू हम कब यूज़ करते थे, जब हमारे पास कोई ऐसा डेटा गिवन होता था कि जो पॉइंट की फॉर्म में नहीं होता था, मतलब कि फ्रैक्शन लेस फॉर्म में होता था, उसकी कोई फ्रैक्शंस नहीं होती थी। जबकि हमारे पास फ्लोट डेटा जो होता था वो हम तब यूज़ करते थे जब हमारे पास डेटा पॉइंटेड फॉर्म के अंदर होता था। उसके बाद हमने जो करेक्टर डेटा टाइप पढ़ी थी, उसमें करेक्टर डेटा टाइप हमने देखा था उसे सिंगल, एक तो कोटेशन मार्क से यूज़ करते थे, उसमें हम सिंगल एक एक जो अल्फ़ाबेट है वो स्टोर करवा सकते थे, या एक अल्फ़ाबेट को हम डिस्प्ले करवाने के लिए इसीलिए सिंगल कोटेशन यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग डेटा टाइप हम इसलिए यूज़ करते थे, उसे हम डबल कोटेशन से रिप्रेजेंट करते थे, और डबल कोटेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि हमने कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी हो एज इट इज़, तो हम डबल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं, तो उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे कोई नेम हो जाए, मतलब कि कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो हम उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास जैसे कि होता है अल्फ़ाबेटिक में, जो हमारे पास करेक्टर डेटा टाइप है हम उसे सिंगल से डिनोट करते हैं और उसमें सिर्फ एक वर्ड स्टोर हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग हम इसीलिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास वर्ड हो एक पूरा, जिस तरह किसी का नाम हो जाए, किसी कंट्री का नाम हो जाए, किसी पर्सन का नेम हो जाए, तो हम उसे को स्टोर करवाने के लिए जो हम डेटा टाइप यूज़ करते थे वो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप थी। इसी तरह हमने कुछ इनपुट के फंक्शंस पढ़े थे, कुछ आउटपुट के फंक्शंस पढ़े थे। मतलब कि हमने कंप्यूटर को डिस्प्ले, आखिर अपना प्रोग्राम के अंदर डाटा भी तो इनपुट करवाना है, उसके लिए हमने कुछ फंक्शन पढ़े थे। उसके लिए हमने डाटा डिस्प्ले करवाना था, उसके लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा था। मतलब कि ओवरव्यू उसका थोड़ा सा हमने लिया था कि हम स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे, ऑपरेटर्स की टाइप्स पढ़ी थी, उसकी प्रेसिडेंस पढ़ी थी। प्रेसिडेंस हम इसलिए पढ़ते थे कि हमारे पास पता लग जाए कि हमारे पास अगर ये सारे हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट यूज़ करना है, और सबसे लास्ट में हमें कौन से कांस्टेंट को डील करना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, इनपुट एंड आउटपुट। इसमें हम बेसिकली जो इनपुट के फंक्शंस होंगे और जो आउटपुट के फंक्शंस होंगे हम उन्हें परफॉर्म करेंगे, कि हमने कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करनी है, कंप्यूटर को आखिर कुछ ना कुछ डेटा देंगे तो फिर ही हमारे पास इनपुट आएगा। मतलब कि हमने कंप्यूटर को इनपुट नहीं दे रहे, हमारे पास प्रोग्राम में इनपुट नहीं दे रहे, तो वो आउटपुट हमें किस तरह प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हमें प्रिंट एफ या स्कैन एफ फंक्शन का जो भी फंक्शन होगा, प्रिंट एफ का फंक्शन और प्रिंट स्कैन एफ का जो भी हमारे पास फंक्शन होगा वो हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि आखिर उस फंक्शन से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, किसके बगैर वो रन नहीं करता। तो अब चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास जो कंटेंट्स हैं, मतलब कि इस चैप्टर में जो हम कंटेंट कवर करेंगे वो ये सारे कंटेंट्स हैं। मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट भी आ जाएगा, इसमें प्रिंट एफ का फंक्शन आएगा। प्रिंट एफ फंक्शन में आगे कुछ फर्दर चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है। उसके अलावा हम फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे स्कैन एफ का फंक्शन, और स्कैन एफ के फंक्शन में भी आखिर कुछ चीज़ें आएंगी जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है। स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट मैंने आपको एक बताया था, जो हम एक हेडर फाइल भी उसके लिए यूज़ करते थे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हम उसे बोलते थे, वो फाइल भी हम लोग यूज़ करते थे, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ही यही है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, हाउ इज़ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फॉर्म इन सी, हम इसको सी लैंग्वेज में किस तरह परफॉर्म करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कि इनपुट किस चीज़ को कहते हैं, वो कोई ऐसा डाटा होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि वो आखिर कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करें, आखिर कुछ ना कुछ हम कंप्यूटर को देंगे तो फिर ही वो फंक्शन परफॉर्म करेगा ना। इसकी इनपुट की डेफिनेशन भी हमारे पास यही आ जाती थी कि एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। तो हमारे पास
कब इनपुट के लिए आखिर कोई ना कोई डिवाइस भी यूज़ होती होगी, तो हमारे पास जो बेसिक डिवाइस यूज़ होती है इनपुट के लिए हम उसे बोलते हैं कीबोर्ड। हमारा कीबोर्ड हमारे पास बेसिक डिवाइस यूज़ होती है। इसके अलावा हमने कुछ फंक्शंस वगैरह, जब भी हमने कोई डाटा वगैरह इनपुट करवाना था हम उसके लिए एक फंक्शन यूज़ करते थे जिसको हम स्कैन एफ़ का नाम देते थे। मतलब कि हमने कोई डाटा इंटर करना है, आखिर स्कैन करवाना है ना हमने कंप्यूटर के अंदर, हमने कीबोर्ड के थ्रू डाटा इंटर करना है, उसे स्कैन करवाना है, तो हम उसके लिए एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्कैन एफ़। स्कैन एफ हमने पहले भी पढ़ा था, प्रिंट एफ का फंक्शन भी हमने पढ़ा था। उसके लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं अगर हमें कोई डाटा इनपुट करवाना होता है। उसके लिए हमारे पास कुछ और आगे कुछ फंक्शंस यूज़ होंगे जिन्हें हम गेट सी एच बोलेंगे, गेट सी एच ई बोलेंगे। गेट सी एच हम तब यूज़ करते हैं जब हमने करेक्टर को इनपुट करवाना हो, और स्कैन एफ का फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करवानी हो, तो हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट हम कब यूज़ करते हैं, मतलब कि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं डाटा के अंदर, कोई भी प्रोग्राम के अंदर इनपुट देंगे तो हमारे पास आखिर कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी। द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड आउटपुट, हमने ये पढ़ा था। प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, तो हमारे पास जो एक प्रोसेस डाटा आएगा वो हमारे पास आउटपुट होगा। तो आउटपुट मोस्टली हमारे पास किसके ऊपर शो होता है, मॉनिटर के ऊपर, तो उसके लिए भी उसे हम बोलते हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट है। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टैंडर्ड आउटपुट को कवर कर लिया। अगर हमने अब आगे देखना है कि हमने किस तरह अपना डाटा जो है वो आउटपुट की सूरत में लेके आना है, आखिर हमें किस तरह स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, तो फिर हमें पता लगेगा ये हमारी आउटपुट आ रही है। आया कि हमने जो भी डाटा इनपुट करवाया है उसका रिजल्ट हमारे पास ठीक आ भी रहा है या नहीं आ रहा, हमने इस चीज़ का डिस्कस करना है इसमें। मतलब कि हमने कोई प्रोग्राम है, सम का प्रोग्राम ऐड करवा, हमने सम का प्रोग्राम बनाया, उसमें हमने ऐड करवा दिया है कि हमने इसमें डिस्प्ले करवाना है कि दो दो वेरिएबल्स दे दिए हैं, हमने दो वैल्यूज़ दे दिए हैं जिनका हम सम करवाएंगे तो हमारे पास सी के अंदर स्टोर होगा। ए और बी दो फंक्शंस दे दिए हैं जिनको हमने स्टोर करवाना है तो वो सी के अंदर शो होगा। लेकिन अगर हमने दरमियान में प्लस की जगह कोई और सैंपल डाल दिया है तो इसका मतलब है हमारे पास आउटपुट ठीक नहीं आएगी। हमें आउटपुट को भी देखना पड़ता है, अगर हमने इनपुट देनी है तो हमें आउटपुट को भी देखना होगा कि हमने वाकई में सही डाटा एंटर किया है या नहीं एंटर किया, तो हमारे पास वो होगी एक स्टैंडर्ड आउटपुट होगी। तो इसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, सी क्योंकि हमारे पास बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगी, उसके अंदर जो भी हम फंक्शन यूज़ करेंगे हम उसे बोलेंगे कि ये हमारे पास प्रिंट एफ़ का फंक्शन है। स्कैन एफ हम यूज़ करेंगे डाटा को इनपुट करवाने के लिए, लेकिन हम प्रिंट एफ यूज़ करेंगे किसी भी डाटा को आउटपुट लेने के लिए। उसके लिए आगे पुट एस का भी ऑप्शन आएगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमारे पास प्रिंट एफ का फंक्शन है और स्कैन एफ का फंक्शन है। इसके लिए हम एक हेडर फाइल यूज़ करते थे जब भी हमने कंप्यूटर को हम डाटा दे रहे हैं, मतलब कि हमने डायरेक्ट ही प्रिंट एफ़ का फंक्शन लिख दिया है या स्कैन एफ़ का फंक्शन लिख दिया है, तो हमारे कंपाइलर को तो नहीं पता हम ये किस लिए ऐड करवा रहे हैं। इसीलिए हमें कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज़ पहले से इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं, लाइब्रेरीज़ ऐड करवानी पड़ती हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि हमने एक लाइब्रेरी ऐड करवाई थी जिसका नाम था हमारे पास stdio.h। std हम किसे बोलते थे, std हमारे पास स्टैंडर्ड, std को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, io बोलते हैं मतलब कि इनपुट और आउटपुट, और .h जो है हमारे पास ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है कि हमारे पास जो हेडर फाइल यूज़ होती है वो आखिर किस एक्सटेंशन में होगी। .h जहाँ यूज़ हो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हेडर फाइल आ रही है। .h की एक्सटेंशन हमारे पास तब यूज़ होती है जब कोई हम हेडर फाइल यूज़ कर रहे होते हैं। इसी हेडर फाइल को हम लाइब्रेरी भी बोल रहे थे कि स्टैंडर्ड इनपुट भी देना है हमने, स्टैंडर्ड आउटपुट भी लेना है। ठीक है, stdio.h हम इसी वजह से लाइब्रेरी यूज़ करते हैं क्योंकि हम स्टैंडर्ड इनपुट भी दें और स्टैंडर्ड आउटपुट उसे लें। तो ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास प्रिंट एफ का फंक्शन क्या होता है और इसको एग्जांपल से हम इलस्ट्रेट करेंगे। द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द इन आउटपुट। दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज stdio.h, मतलब कि हेडर फाइल हमारे पास होगी। मैंने आपको ये पहले डिस्कस कर लिया कि प्रिंट एफ का फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, जो हमने इनपुट दी हुई है कंप्यूटर को आखिर उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास आउटपुट का भी तो कोई फंक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू हम डिस्प्ले करवाएं कि ये हमारे पास
क्यों फंक्शन यूज़ हो रहा है, या हमारे पास रिज़ल्ट ठीक आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे जो कंपाइलर है उसको नहीं पता कि ये हमारे पास इनपुट की एक्सटेंशन है, ये हमारे पास आउटपुट की फंक्शन हमें यूज़ किया हुआ है। इसीलिए हमें सबसे पहले लाइब्रेरीज़ कुछ डिफाइन करनी पड़ती है। वो लाइब्रेरीज़ डिफाइन करेंगे तो हमारे पास वो जो कंपाइलर होगा वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा कि ये हमारे पास इनपुट का फंक्शन है, ये हमारे पास आउटपुट का फंक्शन है। तो इसके लिए हमारे पास प्रिंट एफ का एक कुछ सिंटैक्स है। हमारे पास प्रिंट एफ का हमने सिंटैक्स वहाँ भी डिस्कस किया था, प्रिंट एफ का सिंटैक्स हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। प्रिंट एफ का सिंटैक्स जो है हमारे पास वो ये आपको नीचे गिवन है कि हमारे पास प्रिंट एफ जो हमारे पास होता है, प्रिंट एफ उसके बाद हमारे पास आता है ब्रैकेट में फॉर्मेट स्ट्रिंग, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो एज इट इज़ डिस्प्ले होगी। मतलब कि हमने डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा था, हेलो की एग्जांपल ली थी हमने, हेलो वर्ड की एग्जांपल ली थी, डबल कोटेशन मार्क के अंदर उसे लिख रहे थे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हम कुछ देंगे। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट लाजमी नहीं होते, लेकिन फॉर्मेट स्ट्रिंग जो होता है वो लाजमी होता है। और हम आर्ग्यूमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, हम फॉर्मेट स्ट्रिंग को भी डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब कि हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं, मतलब कि एज इट इज़ डिस्प्ले करवाने के लिए, तो वो हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है। कोई भी वैल्यू जो हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा। और आर्ग्यूमेंट्स वो होंगे कि हमारे पास ये पता लग जाए पढ़ के कि ये हमारे पास किस चीज़ का रिजल्ट आया है। हम इन दोनों चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं डबल कोटेशन मार्क में, क्योंकि हम इसे लिखते हैं, और इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। इट स्पेसिफाइज, हमारे पास सबसे पहले टेक्स्ट आता है, फिर हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, फिर हमारे पास स्केप सीक्वेंस आता है। हमारे पास जो होता है टेक्स्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। ठीक है, हमने टेक्स्ट यूज़ करना भी है या नहीं करना तो वो हमारे पास होगा कि ये एक मैसेज होता है कि ताकि हमें इस मैसेज से पता लग जाए कि ये किस चीज़ की आउटपुट आई हुई है। जैसे कि हम सम लेते थे किसी प्रोग्राम का, तो सम इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर सम इज इक्वल टू लिख देते थे, ताकि हमें पता लग जाए कि ये हमने सम का प्रोग्राम किया था तो उसके अंदर हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर हम उसे नहीं यूज़ करना चाहते, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट जो होता है वो एक ऑप्शनल है हमारे पास चीज़, अगर हम नहीं यूज़ करना चाहें तो ना हम नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की, कोई भी वैल्यू जो हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ टू बी डिस्प्लेड, जिस फॉर्मेट में वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले होगी हम उसे बोलेंगे ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। स्केप सीक्वेंस है हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर जो हम यूज़ करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? स्पेशल कैरेक्टर में हमारे पास परसेंटेज का साइन आ जाता है, हमारे पास बैक स्लैश का साइन आ जाता है, फॉरवर्ड स्लैश का साइन आ जाता है। ये हमारे पास कुछ हैं स्केप सीक्वेंसेस हैं, कुछ हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या चीज़ डिनोट करते हैं? इट इंडिकेट द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशन, अ कम्बिनेशन ऑफ दीज whose data is to be displayed। मतलब कि हम arguments हमारे पास compulsory part नहीं है, हमारे पास जो compulsory part है वो हमारे पास format string है। ये format string में हमने देखना है कि हमारे पास compulsory part कौन सा है, कि मतलब कि हम double quotation mark के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास compulsory part होगा। लेकिन argument हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपनी आसानी के लिए हम देखें कि हमने कौन सा function perform किया हुआ है और कौन सा function का result हमारे पास आ रहा है। जो सेकंड स्लाइड है, सेकंड स्लाइड में इसी से रिलेटेड है, प्रिंट एफ फंक्शन से रिलेटेड, कि हम इसमें कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन हमने परफॉर्म किया हुआ है प्रिंट एफ, उसके बाद हमने एक स्मॉल ब्रैकेट दी है जिसमें हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग विद सी। या प्रोग्रामिंग विद सी लिखेंगे तो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, मतलब कि एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना है तो हम डबल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं, डबल कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे तो वो एज इट इज़ हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है हमारे पास प्रिंट एफ, डबल कोटेशन मार्क है, उसमें हमने लिखा हुआ है कंप्यूटर बैक स्लैश एन साइंस। ये बैक स्लैश एन का क्या फंक्शन है? जब भी हम इस तरह देंगे डाटा कि हमारे पास एक कंप्यूटर लिखा हुआ हो, साथ हम लिख दें साइंस लिखते हैं, तो वो एक ही लाइन के ऊपर हमारे पास डाटा शो होगा। जैसे कि उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे पास बताए हुए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हमारे पास बताए हुए हैं, लेकिन हमारे पास हम चाहते हैं कि ये अलग अलग लाइन के ऊपर शो हो। अगर हम सिंपल लिख देंगे कंप्यूटर साथ साइंस लिख देंगे तो हमारे पास ये एक ही लाइन के ऊपर शो होगा। अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो हो सेकंड वर्ड, तो हम दरमियान में बैक स्लैश एन का यूज़ करते हैं। जहाँ भी बैक स्लैश एन यूज़ किया हुआ हो, इसका मतलब है कि हमने अपनी आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पर लेके जाना है। एक लाइन में हमारे पास कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा, दूसरी लाइन में हमारे पास लिखा हुआ आएगा साइंस। इसी तरह हमारे पास थर्ड है जो एग्जांपल दी गई, प्रिंट एफ इज इक्वल टू टोटल मार्क्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का फंक्शन हम आगे यूज़ करेंगे, ये हमारे पास है
फॉर्मेट स्ट्रिंग टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, मतलब कि हम एक मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम टोटल मार्क्स फाइंड कर रहे हैं। परसेंटेज डी आउटपुट लेने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, उसको परसेंटेज डी बोलते हैं, ठीक है। अगर वो हमारे पास फंक्शन यूज़ हो रहा है, हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, हमें पता लग जाएगा कि यहाँ टोटल मार्क्स आ रहे हैं, परसेंटेज डी का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे कि परसेंटेज डी हम यूज़ क्यों करते हैं। फिर उसके बाद उसके मार्क्स हमने सेकंड नंबर पे लिखे, उसके आर्ग्यूमेंट यहाँ हमने लिखा है उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर कॉमा, हमने आर्ग्यूमेंट लिखा है कि ये पता लग जाए कि हमारे पास इतने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास एक प्रोग्राम है, उन्होंने एग्जाम्पल दी गई है कि हमारे पास एक हाइट दी गई है और हमें हमारे पास एक विड्थ दी गई है, हमें एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमने जब भी एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका हमें हमारे पास फार्मूला गिवन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला क्या है। एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, मल्टीप्लाई की जगह हम साइन यूज़ करेंगे स्टेरेक का। उसके बाद हमारे पास stdio.h हमने एक फाइल यूज़ की है। stdio हम क्यों यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, ये हमारे पास लाइब्रेरी भी हम इसे बोलते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक हेडर फाइल है क्योंकि .h की एक्सटेंशन हमारे पास यूज़ हो रही है। उसके बाद हमने console.h लिखा है, मतलब कि कंसोल की जितनी लाइब्रेरीज होगी वो पिक करेगा। उसके बाद void main का फंक्शन देंगे हम, उसके बाद हम एक ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। कर्ली ब्रेसेस में हम अपने प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं, जहां हैश इंक्लूड के फंक्शन आते हैं वो हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास void main आया हुआ है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। जब हमारे पास कर्ली ब्रेसेस ओपन होंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास मेन बॉडी स्टार्ट हो गई है। अब हमारे पास इंटीजर में उन्होंने डाटा दिया गया है, अब हमें खुद से फाइंड करना है। अगर हमारे पास डाटा गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हमने खुद से सपोज कर लेना है कि इंटीजर है हाइट इज इक्वल, हाइट हमने लेनी है, उसकी विड्थ लेनी है और फिर उसका एरिया कैलकुलेट करना है। हाइट हमारे पास है 15, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ रही है, पॉइंट वैल्यू में नहीं है, तो ये हमने पहले से इंटीजर में डिक्लेयर करवा दिया इसे। उसके बाद हमने देखना है कि विड्थ उसकी क्या है, विड्थ हमने 3 ली है, यह भी हमारे पास इंटीजर में ही वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे यहाँ क्या इनिशियलाइज करवाया था, हमारे पास था डिक्लेयर करवाया था हमने एरिया। अब हमने एरिया को देखना है कि एरिया किसके इक्वल होता है। एरिया का एक फार्मूला हमारे पास था, एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया का हमारे पास जो फार्मूला है वो है एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ हम करेंगे। बाद में हमने सेमी कॉलन लास्ट में ही लगाना है, क्योंकि हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट करवाएंगे। यहाँ तक हमने अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया है। अब हम प्रिंट एफ का फंक्शन देखेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन हमारे पास यहाँ यूज़ होगा, ये हमने इनपुट दे दी है एक, ठीक है। अब हम प्रिंट एफ का फंक्शन देंगे कि हमारे पास जो भी है प्रिंट एफ, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर किस तरह प्रिंट होना चाहिए ये वैल्यू, तो हम उस पर लिखेंगे प्रिंट एफ का फंक्शन देंगे, डबल कोटेशन मार्क एंटर करेंगे। डबल कोटेशन मार्क हम इसलिए एंटर करेंगे कि एज इट इज़ हमारा डिस्प्ले शो हो स्क्रीन के ऊपर। डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी हम इंटीजर फंक्शन के अंदर जब भी हमने आउटपुट लेना होता है, सम लेना होता है या कुछ भी हमने लेना होता है, परसेंटेज डी हम तब यूज़ करते हैं जब हमने इंटीजर वैल्यूज़ का डिस्प्ले लेना हो, क्योंकि हमारे पास जो इंटीजर वैल्यूज़ ही आ रही हैं। उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट लिखा है कॉमा के बाद एरिया, मतलब कि हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर एरिया ऑफ स्क्वेयर हमने एक ये मैसेज दे दिया कि ताकि हमें ये मैसेज प्रोवाइड हो। डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम कब चीज़ लिखते हैं, जब हमारे पास सेम एज इट इज़ हमने प्रिंट करवाना हो, हमने पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज डी, यहाँ उसका सम आ जाएगा इन दोनों का, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो परसेंटेज डी की जगह कैलकुलेट हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास लिखा हुआ है एरिया, वो हमारे पास तब कैलकुलेट होगा जब हमारे पास एरिया हमने अपनी आसानी के लिए लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट है कि हम इसमें एरिया कैलकुलेट करवा रहे हैं। लास्ट में हमने एक फंक्शन दिया हुआ है गेट करेक्टर का। गेट करेक्टर मतलब कि हमने यहाँ देख रहे हैं ना, ये परसेंटेज डी हमारे पास करेक्टर है ना, हमारे पास करेक्टर को ये गेट करेगा इसीलिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाएंगी, यहाँ आपको शो नहीं हो रहा लेकिन यहाँ कर्ली ब्रेसेस आपको बंद हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास वो था कि इसमें हमने दो इंटीजर वैल्यूज़ को पुट करवाया था, दो इंटीजर वैल्यूज़ का आउटपुट लिया था, लेकिन हम नेक्स्ट वैल्यू में हम देखेंगे हमारे पास दो फ्लोट वैल्यूज़ का आउटपुट लेंगे। फ्लोट वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी हो सकती हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी वो हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ होंगी। उन्होंने हमारे पास एक प्रोग्राम बताया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट एड टू फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज़ एंड डिस्प्ले द सम ऑफ स्क्रीन, मतलब कि हमने दो फ्लोट वैल्यूज़ लेनी है,
उनको सम करवाना है तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, फ्लोट वैल्यू में ही आंसर आएगा और डिस्प्ले आएगा उसका। मतलब ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये इंटीजर में भी वैल्यू आए, लेकिन हमारे पास अगर हमारे पास दो हम फ्लोट वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो हमारे पास देखना चाहिए कि हमारे पास आंसर किस सूरत में आएगा। हमारे पास उन्होंने एक स्पेसिफिक हमें दे दिया होता है, हम खुद से भी तो सम कर सकते हैं। हमने देखना है कि हमारे पास आंसर इंटीजर आ रहा है फ्लोट आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो इनपुट देनी है हमने वो फ्लोट में देनी है। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा हेडर फाइल्स आएंगी, उसके बाद हम अपने मेन बॉडी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ इंटीजर स्टोर करवाए थे, हमने यहाँ फ्लोट स्टोर करवाने हैं। एग्जाम्पल नंबर टू में फ्लोट में हमारे पास हमने तीन चीज़ें लेनी है, मतलब कि दो वैल्यूज़ लेनी है जो हमारे पास फ्लोट पॉइंट जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे, और थर्ड हमारे पास होगा सम की वैल्यू। ए बी हमने ले लिया है जिसके अंदर हमने उसकी वैल्यूज़ हमने प्रोवाइड करनी है, और एस है हमारे पास सम। ए की वैल्यू हमने ले ली है 10.2 और बी की वैल्यू हमने ले ली है 5.5। उसके बाद हमने सम कैलकुलेट करना है, सम का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि हमने दो चीज़ों को प्लस करना है, सिंपल है ये फंक्शन। तो उसके बाद हमने प्रिंट एफ का फंक्शन दिया है, सम ऑफ परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज एफ इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ मतलब कि क्या हम यूज़ कर रहे हैं, दो चीज़ों का सम फाइंड करवा रहे हैं, और वो दो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं। परसेंटेज एफ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास जहाँ ये परसेंटेज एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, सम ऑफ परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ हमारे पास क्या होगा 10.2, एंड परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ सेकेंड हमारे पास क्या है 5.5। मतलब कि दो हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ हैं, उन दोनों का सम हमारे पास जो आंसर आएगा वो परसेंटेज एफ आएगा, फ्लोट वैल्यू के अंदर आएगा। इसके बाद हमने कॉमा दिया है, कॉमा के बाद हमने आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं कि ए का रिजल्ट ये है, बी का रिजल्ट ये है, और एस में हमारे पास ये चीज़ आएगी। उसके बाद हमारे पास गेट करेक्टर का एक एग्जाम्पल लेंगे, गेट करेक्टर लेंगे तो हमारे पास वो करेक्टर गेट करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास उसका आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ 10.2 एंड 5.5 इज 15.7। हमारे पास दो वैल्यूज़ को हमने जब इनपुट करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 15.7। यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि हमने दो एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और बेसिक जो हमारे पास था प्रिंट एफ का फंक्शन, और प्रिंट एफ में हम ये परसेंटेज एफ परसेंटेज डी क्यों यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और हमने दो प्रोग्रामिंग की एग्जाम्पल ली हैं। End of lecture 1. No more for today. Have fun. Allah Hafiz.